तकी साहब, नेता सोते जगते चाउमीन वगैरह खाते, जलेबी वगैरह खाते, हर वक्त हर मुद्रा में संघर्ष करता है, नहीं? मतलब वो अपने सारे व्यक्तिगत काम भी संघर्ष के कोटे में डाल देता है क्या? कलफ लगा कुर्ता पहना, संघर्ष किया क्या? बढ़िया नेहरू कट पहनी, संघर्ष किया। बढ़िया महंगी गाड़ी में बैठा, संघर्ष किया। सफेद जूता पहना, सफेद मोजा पहना, संघर्ष किया। किसके लिए? बोले पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, है ना? चूंकि जमीन पर तो संघर्ष हो तो हमको भी दिखे, नहीं तकी साहब? आजकल तो सब डिजिटल है खेल। हाँ, ऐसा तो आप लोग सबके पास फोटो है, दो दो चच्चर, इसे वो सबके मोबाइल में, ये उसी संघर्ष, रविंद्र पटेल के भी होंगी, विनोद कसेरा के भी, उमेश यादव के पास ऐसे भाई कपड़े पहना हूं, ये उसी संघर्ष की फोटो है 2 जनवरी की, जहां हम जेल होके आए, बहुत से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष किया है, एक मई नहीं हूँ। ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के फोटोग्राफ है सारे भैया, यहाँ आम आदमी पार्टी के लोग संघर्ष लगातार कर रहे हैं, ये देखिए। एक मिनट, मैं दूसरे लोगों से पूछ लेता हूँ। भाई यादव जी, आम आदमी पार्टी के लोग संघर्ष करते सड़क पर दिख रहे हैं, कहीं ऐसा आपको लगा कि उत्तर प्रदेश अस्त व्यस्त हो गया? हाहाकार मच गया, आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर आई? देखिए हमें तो कहीं नहीं दिखा। रविंद्र पटेल आपको दिखा? एक मिनट, रविंद्र पटेल आपको दिखा ऐसा? सर, मैं मुझे तो आपने चुप करा दिया। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका साधुवाद कि आप देखना चाहते हैं, वरना जो भारतीय गोदी मीडिया है वो तो कहीं कुछ दिखाना ही नहीं चाहती। आपने पूछा कि नहीं, हम तो दिखाना भी चाहते हैं, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं, मिले नहीं, कुछ संघर्ष करने वाला तो नहीं है। मैं आपको साधुवाद दे रहा हूँ, जलेबी खा रहे हो, नेत्राम की कचौड़ी खा रहे हो, संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा संघर्ष नहीं चलेगा। सर, कार्यकर्ता भी इंसान होता है, वो भी अपनी 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 ये इतनी मैं गांव में हूँ, चुनार में हूँ, अपने क्षेत्र में, और आप देख रहे होंगे मैं खुले छत के नीचे हूँ, क्योंकि मुझे नेटवर्क नहीं मिल रहा था, मुझे आपका निर्देश मिला, मैं आ गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सर मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उस समय अचल सिंह जी बोलने नहीं दिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप ईमानदार पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं 10 काम छोड़ के आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, ये मेरी हार्दिक इच्छा है और मैं जुड़ता भी हूँ। और रही बात जहां तक समाजवादी पार्टी और उनके गठबंधन के लोगों का संघर्ष, सर देखिए, मैं हमारे लोग जमीनी लोग हैं, हमने संघर्ष किया है और ये बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी ने बेवजह विवाद खड़ा कराया, मैं आपको वचन देता हूं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग, राष्ट्रीय लोकदल के लोग इस पे संघर्ष कर रहे हैं। और जो अभी आयोग गठित की गई है 3 महीने के लिए गठित की गई है, इसमें हम जैसे लोग उनसे मिलेंगे, उनको अपनी बात भी रखेंगे, कहेंगे ऐसा नहीं है, 75 जिले 18 मंडल बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है, 3 महीने में संभव नहीं होगा। क्या सरकार सो रही थी, उसको नहीं मालूम था उसको निकाय चुनाव कराना है, उन्होंने ये विवाद खड़ा ही क्यों किया? सर देखिए, ये सहानुभूति का विषय वस्तु है, इस पे हमें विशेष अवसर दे करके पिछड़े वर्ग को एक समान और समान बराबरी का अवसर देने की बात है, ये कोई भीख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो धप्पी मार रहे हैं, ठीक, ये जो व्यवस्था मिली हुई थी उसको छीना। जी भाई तकी साहब जी, मैं ये कहूंगा कि ज्यादा संघर्ष हो गया हो तो थोड़ा विराम, थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं संघर्ष जारी रहेगा। नहीं, ठंड ज्यादा, डॉक्टर कह रहे कोरोना के बाद थोड़ा मामला गंभीर हो गया है, ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए कोरोना के बाद। अब कहीं आप लोग ज्यादा संघर्ष में दूर निकल गए तो फिर नहीं, ताकि तो अच्छा, लोग जब सुनते होंगे, जनता जो सुनती होगी कि नेता लोग सब बोल रहे हैं टीवी पे बैठ के कि हम संघर्ष कर रहे हैं, तो ननकू और रज्जा का आपस में क्या कहते होंगे तकी साहब सुन के? वो भी मेरी तरह हैरान होते होंगे कि हमारे संघर्ष हो कहा रहा है, नहीं? सर वो आपका डिबेट देख रहे होंगे, आपका डिबेट देख रहे होंगे, हमसे पूछते हैं ननकू और रज्जा, कहते हैं साहब वो आपके शो में फला फला लोग आए थे, वो कह रहे थे हम संघर्ष कर रहे हैं, उनसे पूछो कहाँ कर रहे हैं, कहते छोड़ो यार कहाँ कर रहे हो। अमिताभ जी, ननकू और जी, मैं कह रहा ननकू और रज्जा ने लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया है, ये दैनिकू और रजगा बहुत दिनों से घर से बाहर निकले नहीं है, अगर घर से बाहर निकलेंगे पेपर से पढ़ेंगे तो उनको आम आदमी पार्टी के लोग सड़क पे चौराहे पे कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए लड़ते हुए आवाज उठाते करेंगे। हम तो रोज संघर्ष करते हैं, आज भी एक व्यक्ति का एफआईआर नहीं लिखा जा रहा था, गुमनगर थाने में एक्सीडेंट का मामला था, उसमें मैंने उसको एफआईआर लिखवाई, हमारे पास तो लोग रोज दरोगा ने चाय पिलाई कि नहीं, गोमती नगर वाले ने चाय पिलाई कि नहीं,
अरे हमने उनको चाय पिलाई, वो क्या चाय पिलाएंगे, ऐसी व्यवस्था खराब कर दी होगी सरकार ने। सस्पेंड करवाना चाह रहे हैं वो, दरोगा जी सस्पेंड हो जाएंगे योगी सरकार ने। एक मिनट रुक भाई, कभी कभी अच्छी बहस भी करो। आ रहे विनोद बाबू, जिसमें जनता का आनंद है। मैं एसएन सिंह जानते हैं, मैं 20-22 साल रहा अखबार की दुनिया में, तो उसका मक्का मदीना है रफी मार्ग पर आईएनएस बिल्डिंग, ठीक। उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे है पार्लियामेंट स्ट्रीट, ठीक। तो देश भर के अति संघर्षशील राजनीतिक दल वही संघर्ष करने आते थे क्या? सुन लो भाई अरविंद बाबू, विनोद बाबू आप भी सुन लो, सबके लिए अच्छी बात है समझने की। तो वहां जो पता लगा अडवाणी जी आंदोलन करके गए, एवी वर्धन कामरेड सुरजीत आ गए आंदोलन करने संघर्ष करने, वो करके गए तो पता लगा अजीत सिंह और कोई दूसरा आ गया, इस टाइप का मामला था, बड़े लेवल चलता था वहां है। वहां के SHO हमको बताएं कि भाई साहब इससे अच्छा भजनपुरा में दरोगा हो जाता। मैंने पूछा क्यों, बोले पूरे दिन मैं सुबह से ड्यूटी आता हूं ऐसे हाथ रख रहता मेरा, क्या जय हिंद सर सर क्या, बोले पूछ के पानी मारना पड़ता है कई बार, डांट देते कि तभी नहीं प्रेस आ जाने दो तब पानी डालना क्या, तो रुके खड़े क्या, बोले तब तक चाय मंगाओ है, बोले उनसे पूछते साहब आप डाल दे पानी, कहते हाँ प्रेस आ गया अब डाल दो क्या, थोड़ा हम लोग बैरिकेड वगैरह चलेंगे फोटो आ जाने देने, बोले जी सर क्या। फिर बोले अंदर लाओ, रजिस्टर में सबके नाम सिपाही लिखे वो दस्तखत करें केवल, और चाय अलग बिस्कुट के साथ क्या। फिर जब चले गाड़ी लगे तो जय हिंद सर क्या। ये संघर्ष मैंने देखा 25 साल भारत के लोकतंत्र में। और जब फोटो उसकी आती थी, जो हमारे छोटे भाई तकी साहब दिखा रहे हैं, तो फोटो तो ऐसी ही उसकी भी आती थी, बैरिकेड से ऐसे वाला ऐसे करके फोटो आता था और उधर से पानी की धार क्या। वो बताएं एक बार एक नेता जी थे, बड़े थे विपक्ष में लेकिन हैसियत थी उनकी देश में, तो बोले उनके धरने पे हम लोगों ने प्रेस के आने के इंतजार किए बिना पानी डाल दिया, तो बोले मैं सस्पेंड होते होते बचा था। सरकार ने कहा भाई कोऑर्डिनेशन से चला करो, ये बड़े लोग हैं। विनोद कसेरा जी, ये हकीकत बता रहा हूं, ये कोई कपोल कल्पित किस्सा नहीं है। सर आप राजनीति नहीं करने देंगे भैया, ये हालत है ये। तो जनता देखती थी कहती थी इतना संघर्ष, एसएन सिंह जी गलत तो नहीं कह रहा भैया? नहीं अच्छी बात है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छी बात कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस तरह से केवल फोटो छपवा लेने से तो आप घर बैठे भी कई लोग तुरंत पहुंचते हैं और फोटो छपवा लेते हैं। फोटो छापी गई अखबार निकली है, यही आप समझ नहीं आ रहा है? बीजेपी ने से भी फोटो छपा देती है, ये लोगों ने फोटो छपा ली है, अखबार आपने पढ़ना छोड़ दिया, मीडिया देखना छोड़ दिया आपने, जैसे आपने पोस्टर पैनल लगवाते हैं सब तरफ, आप लगता है विपक्ष जान रही है ये बीजेपी का यही परेशानी है। ये फोटो निकली है सारे पेपरों में, अगर आप अखबार नहीं पढ़ रहे हैं ये देखिए आप आपने कौन सी गलत करी, एक पेपर में दो पेपर में तीन पेपर में सारे पेपरों में निकला है, बसों में यात्रा करते कभी कभी हमें नहीं आती बड़ा बड़ा पेपर निकला, ये छपाई गई है, ये खबर छपाई गई है। जैसे बीजेपी ने मीडिया को मैनेज करने का तरीका सोच दिया, उसको लगता है सब तो ऐसे करते हैं। आम आदमी पार्टी के लगातार सड़कों पर लड़ने वाली पार्टी, संघर्ष करने वाली पार्टी बीजेपी के एक मिनट। अच्छा ये जो नई टेक्निक आई है रविंद्र पटेल बाबू फोटोशॉप की है ना नाम की, इसने भी संघर्ष बड़ा थोड़ा सरल कर दिया डिजिटल मीडिया में, नहीं कहीं की भी कहीं जोड़ो खट 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 कर मोबाइल पर चेपो खट से ट्विटर पर, बोले भारी संघर्ष करते हुए नेताजी, नहीं कौन देख रहा हूं कि क्या है, किसकी फोटो है, कहां की फोटो है, क्या मसला है क्या नहीं। अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए, जौनपुर का आदमी तब संघर्ष मानेगा जब जौनपुर में वो देखे कि हमारे नेता ने हमारे लिए संघर्ष किया, जूझे भूखे प्यासे संघर्ष कर रहे हैं क्या। बाकी क्या इसे भाई बिना देखे कैसे मान लेगा आदमी। सर ईमानदारी की बात तो ये है,
बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, उस संघर्ष में भी जूझ रहा हूँ कि हम लोग कितना भी संघर्ष कर लेंगे, हमको शायद दो लाइन या एक कालम में समेट दिया जाता है, है ना। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने ऐसा ऐसा भी रचना रचा है कि हमारे संघर्ष को वो दो लाइन एक कालम में समेट देते हैं। मैं आपको बार बार साधुवाद दे रहा हूँ, बार बार साधुवाद दे रहा हूँ, आप जैसे चंद लोग हैं जो ईमानदारी से डिबेट को करा रहे हैं, अब सुन तो लीजिए, सिंह साहब सुन लीजिए, मेरे बड़े भाई हैं आप, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए सर, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए सर, आप सुन तो लीजिए, आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा बोलिएगा, आपका नंबर आएगा बोलिएगा ना, सुन तो लीजिए प्लीज, बड़े भाई की तरह कह रहा हूँ, बड़े भाई की तरह कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं जानता हूँ कि आप सरकार हैं, मुझे मालूम है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार हैं, आप केंद्र की सरकार हैं, मुझे मालूम है, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए सिंह साहब, मुझे मालूम है कि आप बड़े योग्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुन तो लीजिए, नहीं सुनेंगे, अरे हाथ उठता हूँ, सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात, आप सुन तो लीजिए मेरी बात, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, जिसके गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो वो है गुंडा और उसका साथ आप दे रहे हैं, हम आपकी बात को कैसे सुने, आपकी बात को कैसे माने बड़े भाई, आपकी बात को माने कैसे। भारतीय जनता पार्टी का भगवा रंग आपके ऊपर पड़ जाए, आपने गंगा नहा लिया, हमारे यहाँ हम ये जो बात बोल रहे हैं, आपसे इतना शुद्ध नहीं है, गंगा जी इतनी शुद्ध है कि जब आप पूजा करने जाते हैं, हमारे भगवत कथा में कहा जाता है आप नहीं स्नान किए रविंद्र जी, आप गंगा जल छिड़क लीजिए, आप पवित्र हो जाएंगे, कि अगर दूसरी पार्टी में कोई नेता है तो करप्ट है, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में वो आएगा, वो गंगा से धुल जाएगा, आपसे काबिल, आपसे बेहतरीन कोई नहीं है, मैं मानता हूँ, मैं गंगा जी इसी तरह की पवित्र है, आप बोलने नहीं देंगे, जब जब आप अमिताभ सर के टीवी चैनल पे गंगा जल हमें बोलने नहीं दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथ है, इन्हें क्या हाल होगा, विनोद जी एक यही एक प्रश्न आपसे, सबसे छोटा सा उत्तर, क्या पिछड़ों को लेकर जो एक आज से 15 दिन पहले ये जो एक दृश्य दिख रहा था कि पिछड़े को के आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आएगा, एक बड़ी करवट लेगा लेगी उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्या वो मुद्दा, वो स्थिति हाथ से स्लिप हो गई?